तो यार अभी तक के तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि भाई फैमिली मैन सीजन 2 पोस्टपोन्ड हो गया है, कैंसल नहीं हुआ है भाई, ये पोस्टपोन्ड हुआ है। अब ये कब आपको देखने को मिलेगा ये फिलहाल बता नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये अप्रैल या मार्च से पहले तो नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी में तो ये भूल ही जाओ। उसकी सीधी सीधी वजह ये है कि जो कंट्रोवर्सी मिर्ज़ापुर और टांडव वेब सीरीज़ को लेकर चल रही है, उस वजह से जो अमेजोन प्राइम है वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली मैन सीज़न 2 रिलीज़ हो। अब इसके पीछे की एक वजह तो आप लोग समझ चुके कि भाई वो कंट्रोवर्सी है, लेकिन दूसरी और असली वजह आप लोगों को नहीं पता। वो वजह सिंपल सी ये है कि शायद प्राइम वीडियोस वालों ने जब फैमिली मैन सीज़न 2 को देखा तो उनको ऐसा लगा होगा कि भाई जो कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसी तरह की मिलती जुलती चीज़ें हमें द फैमिली मैन सीज़न 2 में देखने को मिल रही, पर्टिकुलर एक दो सीन ऐसे हो गए, तो इस वजह से प्राइम वीडियोस की पूरी तरह से फट गई होगी कि भाई अगर ये रिलीज़ होती है तो फिर से इस पर भी बवाल हो जाएगा। और ऐसे में वो लोग भी नहीं चाहेंगे यार इतना बड़ा OTT प्लेटफॉर्म और उनकी इतनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज, जिस वजह से मैक्सिमम इंडियन ऑडियंस ने अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर वो लोग बैक टू बैक इस तरीके के सीन्स डालेंगे उनकी फेमस वेब सीरीज के अंदर तो जो सब्सक्राइबर से वो दूर भागते जाएंगे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोगों ने राज एंड डी के जो क्रिएटर्स है उनको कहा होगा कि भाई ये सारे पर्टिकुलर जो सीन्स हैं जो हमारे हिसाब से अच्छे नहीं लग रही है, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो इसको रीशूट करो या तो फिर उसको एडिट करो। तो अब राज एंड डी के ने ये बोला होगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट सीन्स है और इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते, हाँ ये कर सकते कि भाई इसको रीशूट कर सकते ताकि जो आपत्तिजनक सीन है उसको निकाल सके। अब आप लोग सोचोगे कि भाई तू बिना देखे ये क्यों बोल रहा है कि इसमें ऐसा हो सकता है, तो देखिए जो कंट्रोवर्सी निकालते हैं ना वो लोग तो द फैमिली मैन सीजन 1 में भी कंट्रोवर्सी निकाले थे। देखो मैं इमेज दे रहा हूँ, मंगते तो आप उसका वीडियो जाके देख लेना, तो उस बंदे ने तो फैमिली मैन सीजन 1 में भी कंट्रोवर्सी निकाला था। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग सिर्फ गलतियाँ ढूंढने के लिए चीज़ों को देखते ना, तो उनके लिए तो कहीं से भी कुछ ना कुछ गलती निकल ही जाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार प्राइम वीडियोज़ वाले प्लस राज एंड डी के ये दोनों ही कोई भी चांस नहीं लेंगे और फैमिली मैन सीजन 2 डेफिनेटली ऑडियंस को देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। जितना भी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है पहले उसको लोग शांत होने देंगे। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि भाई कभी भी रिलीज़ हो लेकिन जल्द ही रिलीज़ होना, क्योंकि मैं उन ऑडियंस में से हूँ जो फैमिली मैन सीजन 2 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और बस इस वीडियो में इतने, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका क्या ओपिनियन है कि भाई इस पर्टिकुलर शो को पोस्टपोन्ड क्यों किया वो आप लोग बिंदास कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी किसी को भी हेट देने की ज़रूरत है क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं कोरोना वायरस के बाद। ये जो वेब सीरीज़ है या इनमें जो चीज़ें बताती है उनका टेंशन लेंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, और जो 300 ऑडियंस है जो मेरे वीडियोस को हमेशा चेकआउट करती है, आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन